समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। कला प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज कला प्रोग्राम है विशेषकर वर्ल्ड आर्ट डे पर आधारित है। वर्ल्ड आर्ट डे कैसे मनाना शुरू हुआ, इसे क्यों मनाते हैं, सब पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे बहुत सारे स्थानीय कलाकार इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। तुरंत हम आपको मिलवा रहे हैं श्री अरविंद अंबिका जी से। अरविंद जी, हमारी ओर से नमस्ते। कला प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। और थोड़ा सा वर्ल्ड आर्ट डे पर थोड़ा सा आप बात करें। वर्ल्ड आर्ट डे वैसे तो 15 अप्रैल को मनाते हैं। मैं अरविंद, अकादमी ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन पे लेक्चरर का काम करता हूँ। वैसे मैं एक ट्रेंड पेंटर, मैं अपना मास्टर्स इंडिया से किया हुआ हूँ। और इधर पे मैं आर्ट एंड डिज़ाइन के क्षेत्र में ही पढ़ाता हूँ। और वैसे आप देखेंगे तो वर्ल्ड आर्ट डे कुछ साल पहले ही मॉरिशस में शुरू हुआ था। वो पहले मुझे याद था, वो ACA जो देव चूड़ामन जी अभी प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ, उनका एसोसिएशन के साथ हमने शुरू किया था लगभग 2003 की 13 में। फिर धीरे धीरे जाकर वो अभी आप देखेंगे बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं, बहुत सारे आर्टिस्टिक ग्रुप जो हैं, यंगस्टर्स हैं, थोड़ा सा और भी आगे का जेनरेशन है, वो सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और अभी इस साल आप देखेंगे कितने सारे इवेंट्स हुए थे, पब्लिक इवेंट्स जहाँ पर लाइव पेंटिंग हुआ था। मेरे ख्याल से ये जो वर्ल्ड आर्ट डे डिक्लेयर किया गया है, वो आर्ट को सारा विश्व में और भी प्रोत्साहित करने के लिए किया हुआ है। आप देखेंगे हम हर किसी चीज़ जो करते हैं वो सभी एक आर्ट फॉर्म ही होता है। पेंटिंग तो आर्ट फॉर्म ही है, स्कल्पचर भी है, लेकिन हम हर किसी अपने शर्ट को चूज़ करने के वक्त ये भी एक आर्ट ही है। हम कलर को देखते हैं, रंग को, बाल संभालने के लिए, ये सब आर्ट ही है। लेकिन हम आर्ट किस रूप से दिखाते हैं, सभी का कोई ना कोई एस्थेटिक्स होता है, वो कोई एस्थेटिक्स जजमेंट होता है, इसलिए उसको ये रंग पसंद होता है, वो रंग पसंद होता है। इस तरह से जाके आर्ट पूरा कंप्लीट होता है। हम रसोई में जब पकाते हैं, खूबसूरती से पकाते हैं, ये डालते हैं, रंग को भी देखते हैं, फिर टेस्ट को भी देखते हैं। आप देखेंगे हमारे सेंसेस जो है, सभी सेंसेस, स्कल्पचर जो है वो टच से भी किया जाता है। लोग जो देख नहीं पाते हैं वो लोग भी महसूस कर सकते हैं, स्कल्पचर का फॉर्म महसूस कर सकते हैं। जो देख पाते हैं वो पेंटिंग को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि एक डे ऐलान हो कि हाँ, आर्ट है हमारे जीवन में, आर्ट है, हर रोज़ हम इसको इसकी उपयोग करते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण था। 15 अप्रैल मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण एक डेट है, क्योंकि ये कोइंसाइड करता है लियोनार्डो दा विंची, जो इटली का बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, मोनालिसा का पेंटिंग किया हुआ है वो, उसके जो बर्थडे है वो सालगिरह इस दिन पे पड़ता है, इसलिए ये दिन ऐलान किया गया है। और वर्ल्ड विश्व में ये इसको ऐलान किया है कि सभी मिलकर एक साथ इसको सेलिब्रेट करें। वैसे तो हम सेलिब्रेट रोज़ ही करते हैं, लेकिन जब ऐलान होता है एक दिन, ये बहुत स्पेशल हो जाता है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि इस तरह से इसको सेलिब्रेट करें एक साथ, हम सभी एक परिवार। जैसे आज के वक्त हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो क्यों ना ग्लोबली हम इसको सेलिब्रेट करें। जैसे बोला आपको, एक ट्रेंड पेंटर हूँ, मेरा पेंटिंग स्पेशलाइजेशन मेरा पेंटिंग है। आप इधर पर देख सकते हैं मेरा एक चित्र लगा हुआ है। मैं बहुत रियलिस्टिक पेंटिंग करता हूँ, और वैसे भी मैं कॉन्सेप्चुअल आर्ट को लेके काम करता हूँ। जैसे हर कोई चीज़ जो इधर पे मेरी पेंटिंग में आप देखेंगे, हर कोई चीज़ का एक मायने होता है। जैसे मैं बहुत ये जो हमारे पूर्वजों का पगड़ी है उसको लेकर मैं बहुत काम करता हूँ, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन डिपिक्ट करता है, हमारा ओरिजिन। फिर भी हम ओरिजिन इंडिया से हो सकते हैं, लेकिन हम असल में मॉरिशन हैं। हमारे बुजुर्ग हैं वो लोग इंडियन थे, लेकिन हम लोग इंडियन नहीं हैं। लेकिन हमारा बैकग्राउंड जो है, हम उसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम उसको लेके साथ में मल्टीकल्चरल सोसाइटी के हिसाब से जीते हैं उनको। ये मेरे पेंटिंग में आप बार बार देखेंगे। वैसे भी मैं पहचान की राजनीति को लेकर काम करता हूँ।
मैंने पॉलिटिकल आइडेंटिटी को, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे ओरिजिन है, लेकिन हम मॉरिशन भी हैं। आप देखेंगे हमारी आइडेंटिटी का बहुत बहुत सारी पहचान है। जैसे मैं खुद को ले लूँ, आप खुद को ले ले, आप किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का प्रेमिक भी हो सकता हूँ, हमारे रिलेशंस ही बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी हम मॉरिशन हैं, मॉरिशन हैं, हम इंडिया से आए हैं, हमारे रूट्स उधर पे हैं। तो इसको लेकर हमारा आइडेंटिटी अभी किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, ये आप देखेंगे बार बार मेरे पेंटिंग्स में भी आता है। ये मेरा थीम जो है, पेंटिंग का ओवरऑल थीम जो होता है ये मेरा है, और इसको मैं दिखाता हूँ बहुत सारे फिगरेटिव पेंटिंग को लेकर। फिगरेटिव पेंटिंग मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि हम लोगों को दिखाएं कि हम कैसे हैं, हमारे स्किन कलर जो है। एक टाइम पे था मैं जब स्किन कलर को पूरा ही ब्लैक एंड वाइट में पेंट करता था, क्योंकि ये कोई मायने नहीं रखता कि हम कौन से रंग का के हैं। तो मेरा पेंटिंग का यही मैंने बोलता है इम्पोर्टेंस। दर्शक को इस समय हम नेल्सन मंडेला जो सेंटर है यहाँ पर वर्ल्ड आर्ट डे के संदर्भ में एग्जीबिशन लगी हुई थी, और यहाँ पर आइए आपको हम मिलवा रहे हैं नेल्सन मंडेला सेंटर के जो डायरेक्टर हैं श्री स्टेफान कागू जी से। For the 9th consecutive year, the Nelson Mandela Center, under the aegis of Ministry of Arts and Cultural Heritage, is working with the Association Action for Artistic Creativity to mark the World Art Day. And this year, 2023, we are welcoming 44 Mauritian artists to present 44 artworks, which are also on sale at the L'Espace La Latokenique. हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं आए हुए हैं, और उन्होंने अपने जो कृति है, यानी कि जो पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, उसको यहाँ पर लाए हैं और प्रदर्शित किए हुए हैं। अभी हम आपको मिलवा रहे हैं एक स्कल्पचर जो करते हैं
उनका नाम है युगल किशोर बिकन जी, आइए हम उनसे आपको मिलवाते हैं। जी हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं, ये स्कल्पचर, ये मेरा स्कल्पचर है, एक शिप रैक बोलते हैं जैसे टूटा हुआ जहाज, और आधा हिस्सा पानी में भीतर चला गया, आधा ऊपर है, और ये सब जोड़ कर संभाल कर लाते हैं, फेंका हुआ लोहा ये सब को, ये देखो ये बोलते हैं इसको जोड़कर, ये सब जैसे ये देख रहे हो ये रस्सी है, और हम हर साल हम लोग पेश करते हैं इस अवसर पर, ये फेंका हुआ मिलता है तो संभाल लेते हैं इसे। ये बहुत से अलग अलग पीस है, जैसे कि बाइसिकल का पीस है, और ज़्यादातर बाइसिकल का पीस है, लोहा जिसे तोल बोलते हैं टीन, तो वो सब संभाल कर आकर इसको जोड़ देते हैं, ऐसे बना देते हैं इसे। मैं ज़्यादा स्कल्पचर करता हूँ, ज़्यादातर स्कल्पचर वो लोहा का स्कल्पचर करते और थोड़ा लकड़ी का स्कल्पचर भी करते हैं, और ऐसे जो मन में आ जाता है तो बनाते हैं इसे। ये दिन हम मनाते हैं जो एक बड़ा कलाकार था लियोनार्डो दा विंची, उसके याद पर हम लोग हमेशा हर साल जैसे कि 15 अप्रैल को वॉल आर्ट डे मनाते हैं, तो उसी अवसर पर हम लोग यहाँ पर रख के पेश करते हैं, और जहाँ जहाँ जब जब समय मिलता है, जहाँ पर मिलता है, तो हम लोग हमेशा से हमारा ग्रुप जो है ACA, तो हम लोग हमेशा ग्रुप पेश करते हैं। तो ये लोहा का बनाया हुआ है, ये देखो एक स्लेव है जैसे, और इसका हाथ बंधा हुआ है, और पीछे से ये चाबुक लेकर ये कोलोम लोग जैसे बोलते हैं, ये कोलोम इसे मार रहे हैं, तो इसके सर पर इसको पेश किया है इसे। और जिस तरह भी आपने युगल किशोर बिकन जी को सुना, उन्होंने क्या बनाया और उनकी क्या खासियत है, इस पर उन्होंने चर्चा की। चलिए अब हम आपको मिलवा रहे हैं सिमी मंगरू जी से, उनका जो काम है, चलिए हम देखते हैं। सिमी जी, आप अपने बारे में बताएं और आपका जो पेंटिंग्स है उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरी पेंटिंग्स के बारे में, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें एक घोड़ा है, मैंने यूज़ किया है एक्रिलिक कैनवा, एंड बहुत पेशेंट के साथ किया है मैंने ये इसे, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये कलरफुल भी है, जैसे बहुत रंग है इसमें। मैंने बहुत से इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भी भाग लिया है, पहली बार मैंने नेल्सन मंडेला का ये एग्जीबिशन में भाग लिया है, मैंने सुना है यहाँ हर साल होती है एग्जीबिशन फॉर वर्ल्ड आर्ट डे जो मनाते हैं यहाँ पर, ये मेरी पहली बार मैंने पार्टिसिपेट किया है। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो घोड़ा है अपने से, इसका जो आपने क्या सोच कर ये बनाया है? ये पेंटिंग का नाम मैंने फ्रीडम रखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये घोड़ा दौड़ रहा है, फ्रीडम है, इसमें लगाम भी नहीं है, लगाम नहीं है, आप इसका चेहरा देख सकते हैं, ये सैड है लेकिन दौड़ रहे हैं, तेज़ दौड़ रहे हैं, अब जा रहे हैं, ऐसे कलरफुल भी है, यहाँ पानी भी नहीं है लेकिन चीटे हैं, यहाँ पर घास नहीं है लेकिन थोड़ा सा ग्रीन कलर मैंने डाला है इसमें, आप देख सकते हैं ये, इसका इसीलिए मैंने इसका नाम फ्रीडम रखा है। मेरा नाम है राम देवी, और ये यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एक पक्षी, ईगल पक्षी, और एक डाली पर बैठ रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ हर साल नेल्सन सेंटर नेल्सन मंडेला में हर साल हम लोग एग्जीबिशन में यहाँ पर अपना कला प्रस्तुत करते हैं, और ये तो हमारा भाग्य है जो हम यहाँ पर, हमें ये जो लकड़ी है यहाँ पर, ये
कपूर का लकड़ी है, हमने इसे अच्छी तरह से पॉलिश किया है। पॉलिश करके यहाँ पर थोड़ा सा वेनी से सजा दिया। मेरा नाम है परमेश्वर दोस्वा। नेल्सन मंडेला के एग्जीबिशन में हमको मौका मिला अपना कला को पेश करने के लिए, और ये जो लकड़ी का काम है नए स्टाइल से बनाया गया है। मूर्ति को उसके ऊपर लाकर उसमें पेंट अप्लाई किए गए हैं, और इसमें इस ढंग से बनाए हैं, काफ़ी नया टेक्निक है, इसमें बहुत तरह के मीडियम डाले गए हैं। हम लोग इंस्पायर किए थे कि पहले के पूर्वज लोग सुबह को उठकर बहुत सवेरे अपने नौकरी में जाते थे, गन्ने के काम में, बैलगाड़ी था, हम लोग के दीवार पत्थर के थे, और जिस झोपड़ी में हम जीते थे अपने खुश भी थे, बड़े परिवार लोग अपने अपनी अपनी गन्ने के खेत में जाकर काटते थे। अब यहाँ पर बताए हैं दो स्त्री हैं अपने अपने काटने वाले के टूल्स लेकर अपनी नौकरी में जा रहे हैं। यहाँ पर हम समाप्त करें कला प्रोग्राम, और विशेषकर ये प्रोग्राम जो है वॉल ऑडियो पर आधारित था, और हमारे जो कलाकार यहाँ पर इस प्रोग्राम में भाग लिए उनको धन्यवाद कहेंगे, और आपको भी धन्यवाद। एक और प्रोग्राम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से नमस्ते।